श्री कृष्णाय नमः श्री गोपीजन वल्लभाय नमः श्रीमद आचार्य चरणकमलेभ्यो नमः श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः श्री गुरुभ्यो नमः सबको नमस्कार करो सबको नमस्कार करो जय करो जय ताजी जी दादी जी ताजी सिद्धांत काका जी सब हम ने काका का जी सबको धरेंगे सबको नमस्कार करो एवं सिद्धांत काका जी भी रहे तुम्हारे सिद्धांत दादा तुम्हारे सबसे बड़े भाई हैं बराबर हाँ चलो मंगलाचरण को समय हो गया है थोड़े लेट बधा रहे हो आज आराम आप सबसे बात करनी जब तक सबको देख रहे थे श्री गोवर्धन धरो जयत, बाल लाल श्री कृष्णा श्री गोपीजन वल्लभा नम श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो भ्यो नम श्री गुसाई जी परम दयाल नम श्री गुरुभ्यो नम <coughs> श्रुति स्मृति पुराणा आलय करुणा नमा भगवत्म शिवल्लभम लोकवल्लभ वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया लोकहित तई सर्वदेश दशा काले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरधता अभी बर्धताम। श्री गुरुं स्तौमि गुरुमी मम प्रभु गुरुभ्यो नमः उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन वैष्णवजन आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय अपने इस जूमा अंतर्गत सत्संग सदन में सत्संग भवन में मैं आपका खूब खूब स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल और ऑनलाइन सत्संग के क्रम में आज ऐसे तो हमें दूसरे सखा की वार्ता पे क्रमानुसार आ जाना चीता था लेकिन अभी हम सूरदास जी की ही शरण में हैं और काफी वस्तु ऐसी हैं कि जो सूरदास जी विषयक मुझे आपको बतानी है तो मैं एक या दो दिन और अभी श्री सूरदास जी के चरित्र पे ही व्याख्यान करना उचित समझूंगा तो यहाँ से जो सत्संग का क्रम चलेगा वो भी हमारे सूरदास जी की वार्ता पे ही चलेगा आप सभी पुष्टि मार्गीय महानुभावों ने जितने भी लोग संप्रदाय की सेवा श्री ठाकुर जी की सेवा इतने वर्षों से कर रहे हैं उन सभी ने एक बहुत प्रसिद्ध श्रुति का श्रवण किया ही होगा संप्रदाय में संप्रदाय के मूल में ये वेद के श्रुति प्रभु के अनुग्रहात्मिका प्रभु की जो शक्ति है उसको दर्शाती है स्पष्ट करती है जैसे आचार्य चरण आप सिद्धांत मुक्तावली में आज्ञा करते हैं अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक ऐसी स्थिति के भगवान की कृपा भगवान का अनुग्रह ही इस मार्ग में नियामक है अर्थात जो भी कुछ हो रहा है अपने जीवन में जिसमें कुछ भी अच्छा हो रहा है वो प्रभु की कृपा से ही हो रहा है और जो भी कुछ हमारे जीवन में गलत घट रहा है खराब हो रहा है वो सब हमारे कर्म के फल रूप हम भोग रहे हैं, आधी हो व्याधि हो या उपाधि हो इनमें से आधी व्याधि को तो समझा जा सकता है कि संचित कर्म अथवा पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनके फल रूप हमको प्राप्त तो हो रहे हैं लेकिन जिसको हम उपाधि कहते हैं वो तो हाथ करके जीव अपने जीवन में खुद ही ऐसे कर्म करता है कि जिसके कारण कोई ना कोई उपाधि उसको भोगनी पड़ती तो आदि व्याधि उपाधि से हमारी सदा सर्वदा रक्षा करने वाले बुद्धि प्रेरक कृष्ण भगवान हमारे ऊपर कृपालु हों और हम पे अनुग्रह करें कि हमारे जीवन में जो आदि व्याधि हैं उनसे हम लड़ सकें और उपाधियों से हम बच सकें हमारे जीवन में हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमको ऐसा आगे जाके लगे कि अरे ये तो हमने उस समय सही किया होता तो अच्छा रहता देखो गते शोको न कर्तव्य जो बीत गया उस पर लेकिन कर्म भी ऐसे ही करने चाहिए कि जिससे अपने को अपने किए का शोक ना करना पड़े आज हम कहते हैं कि भगवान हर चीज में नियामक है उनकी कृपा ही हमारे ऊपर कार्य कर रही है ये बात सब है लेकिन नीति एक बात बहुत सुस्पष्टतया कहती है कि उद्यम साहसम धैर्य सत्यम पर षडे वर्तन्ते तत्र देव सहायक देवता कब सहायता करते हैं दैवी कृपा अपने ऊपर कब होती है जब हम उद्यम करते हैं साहसपूर्वक कार्य करते हैं धैर्य रखते हैं पूर्वक उस कर्म को करते हैं उसमें सत्यता रखते हैं और थोड़ा पराक्रम दिखाते हैं तो जब ज्ञानम सत्यम और पराक्रम ये छ्य जब हम करते हैं तब षड़ेते यत्र वर्तन्ते, जब मनुष्य ये छह कर्म करता है तब जाके देव उसकी सहायता करते हैं देव कृपा करते हैं केवल अकर्मण्य मनुष्य उद्यमे नहीं सिद्धंती कार्याणी न मनोरथ नहीं सुप्त सिंह से इस मृगा के अनुसार नीति के इस वाक्य के अनुसार हम बिना कोई प्रकार का उद्यम किए बैठे बैठे सोचते रहे हम पे प्रभु कृपा होगी तो ऐसी प्रभु कृपा तो कभी नहीं होने वाली क्योंकि न देव दंडमादायक्ष पशुपालवत ये तो रक्षित बुद्धिया संयोजयती जब देवता विचार करते हैं कि इसका कुछ अच्छा करना है मनुष्य का कुछ अच्छा करना है तो वो एक पशुपाल की तरह एक समझो कि ग्वाले की तरह कोई दंडा लेके हमको नहीं है उनको जब हमारे से सही कार्य कराने होते हैं तब तो हमारी बुद्धि को वो सही ठिकाने पे लगा देते हैं इसीलिए बड़ों ने विज्ञप्ति करी है कि बुद्धि प्रेरक कृष्ण से पाद पद्म प्रसिद्ध हमको भगवान ही जो हमारी बुद्धि के प्रेरणा स्रोत हैं जो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च है ऐसे भगवान की हमको शरण गमन करनी चाहिए ये शरणागति परम आवश्यक है शरणागति प्रपत्ति आत्मनिवेदन इनके बिना कुछ नहीं होने वाला अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल विसर्जन, करिष्यति विश्वास भर्तृत्रे वर्णम यथा आत्मनैवेद्य कारपन्ने षडविधा शरणागति आचार्य चरण स्वयं आप आज्ञा करते हैं कि छह प्रकार से शरणागत की हमको फलित होती है आज हम जिन सूरदास जी की वार्ता के ऊपर सत्संग कर रहे हैं ये भी काफी अच्छे सिद्ध थे काफी अच्छे सूर स्वामी के रूप में पूज रहे थे और उनका यश काफी विस्तृत था और ये अपने आप में भी बड़ा सदाचार का जीवन जीते थे और कभी ऐसा भी नहीं था कि कभी ये पूर्व काल में कभी दुराचारी रहे हो अजामिलवत इनका कुछ चरित्र रहा हो फिर भी आप विचार करो कि किन चीजों से इनको वैराग्य आया क्या चीजों के वैराग्य से अनुप्राणित होके इनको ऐसा लगा कि नहीं पुरुषोत्तम की शरण में पुरुषोत्तम रूप ऐसे आचार्यों की शरण में हमको जाना चाहिए देखो भगवान जैसे गीता जी में आज्ञा करते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेशु कश्चित यतति सिद्ध ये यतताम अभी सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ती तत्वतः भाई सिद्ध तो बहुत हो सकते हैं मनुष्यानाम सहस्त्र कश्चित यदि सिद्धे हजारों में कोई एक ना एक सिद्ध हो ही जाता है लेकिन उन सिद्धों में भी उन ऐसे हजारों सिद्धों में से कोई एक विरला ही ऐसा होता है कि जो प्रभु को तत्वतः समझ पाता है और प्रभु को यदि तत्वतः हमको समझना है कि भगवत तत्व क्या है तो वो तो प्रभु ही अपने को समझा सकते हैं इसीलिए मैंने कहा कि एक बड़ी प्रसिद्ध श्रुति आपने पुष्टि मार्ग में सुनी होगी नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य आत्मा स्वाम। हमारे कृष्ण यजुर्वेद में ये गुणकार पीछे खास लगता है तनुगुम स्वाम और अन्य लोग जो इस श्रुति का पाठ करते हैं वहां गुम का प्रयोग नहीं करते हमारे कृष्ण यजुर्वेद में होता है कहने का मेरा तात्पर्य है कि नायम आत्मा प्रवचने लगे भगवत भगवत साक्षात्कार भगवत कृपा भगवत दर्शन केवल प्रवचनों को सुनने से नहीं होता यद्यपि यद्य प्रवचन मतलब किसी व्यक्ति विशेष का भाषण नहीं है यहां किसी किसी या महानुभाव के वचनामृत विषय में प्रवचन नहीं है प्रवचन शब्द का अर्थ होता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदितव्यम जैसे वेद ने कहा कि स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए तो स्वाध्याय किस चीज को कहते हैं वेद के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं और वेद के अध्ययन जो उपदेश होता है वेद में जो ऋषि मुनियों के वाक्य होते हैं श्रुति स्मृति आगम पुराण आदि होते हैं उनके ऊपर जब व्याख्यान होता है तो उसको प्रवचन कहते हैं प्रवचन शब्द वेद विषयक होता है और स्वाध्याय वेद का स्वाध्याय होता है तो स्वाध्याय अध्यात्म न प्रमदितव्य लेकिन फिर भी तुम कितना भी स्वाध्याय करो कितना भी प्रवचन करो जब तक तुम पे भगवत कृपा नहीं होगी तब तक तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा तो आत्मा लभ्यो प्रवचन मनुष्य की जो मेधा मेधा शक्ति है ये मेधा का वो, को कितनी भी वृद्धिंगत कर ले और कितनी भी इसको ऊर्जावान और ओजस्वी बना ले तेजस्वी बना ले, लेकिन फिर भी भगवत स्वरूप को उसकी संपूर्णता में तो वो तभी समझ पाएगा जब प्रभु उसको कृपा करके अपना स्वरूप बताए कहने का तात्पर्य यह है न मेधया न बहुना श्रुते और बहुत आपने श्रुति वाक्य सुने बहुत शास्त्रों को सुना तो बहुश्रुतो भवती पंडित बट बहुश्रुतो भवती भगवत भक्त ऐसा कोई सिद्धांत जल्दी से नहीं बनता बहुत सुने बाद भी जरूरी नहीं है भक्ति का विकास अपने हृदय में हो और बुद्धि अपनी भगवत चरणारविंद की ओर जाए ये भी भगवत कृपा साध्य ही है न वैश्य तेन वैश्वृत कौन प्रभु को प्राप्त करता कर सकता है जिसका वर्ण प्रभु स्वयं करे इसी को हमारे यहाँ कीर्तनों में जो लोग हरि आपनो न जनावे त्योलो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे जिनके पास चौरासी वैष्णव की वार्ता हो वो कृष्णदास मेघन की वार्ता निकाले कृष्णदास मेघन की वार्ता में ये पद दिया हुआ कृष्णदास मेघन की वार्ता में ये पद को बहुत सविस्तार थोड़ा वहां समझाया भी गया है कि क्या परिपेक्ष में ये पद वहां दिया है तो ज्यो हरि आपनो न जनावे त्यों सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे सुनि विरंचि नारायण मुख सो, नारद सो कही दीनी नारद कही वेद व्यासोध की नी पढ़ी सुने मुनि शुक देवा परीक्षित कुज सुनायो जदपि नृपति सुनि ब्रज की लीला दशम कही शुक देवा तोहु सर्वात्म भाव न उपजो ताते करी न सेवा श्री भागवत अमृत दधिमत श्री वल्लभ सर्वोत्तम करी आवरण दूर निज जन के हाथ दिए पुरुषोत्तम आज भगवत प्राप्ति जो हो रही है वो तब तक संभव नहीं है जौनो हरि आपनो न जनावे जब प्रभु अपने स्वरूप को खुद जनाते हैं जिसको जिसका परिज्ञान जिसको भगवत स्वरूप परिज्ञान भगवान स्वयं कराते हैं वो ही व्यक्ति प्रभु के स्वरूप को समझ पाता है आज यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्श आत्मा विवृणुते तनुगुण स्वाम अपनी दीनता का अपनी हीनता का अपने वैराग्य का और अपनी निस्साधनता का इतना चिंतन करने के बाद भी जब सूरदास जी श्री महाप्रभु जी की शरण आते हैं तब आचार्य चरण आज्ञा करते हैं सूर वह के काय गिगिया कछु भगवत लीला गाओ तो आज ये भगवत लीला गाने का उपदेश ये केवल सूरदास जी को नहीं है अपितु तो सूरदास जी के माध्यम से अपन सभी जो निधन जीवों के में में किसी काल में थे, लेकिन और प्रभुचरण पधारने के बाद सब तात्मजों के अपने माथे विराजने बिराजने के बाद श्री जी पुरुषोत्तम जी जैसे महानुभाव आचार्यों के और साक्षात जो स्वयं भी कोई ना कोई भगवद रूप का ही साक्षात आविर्भाव है ऐसे महानुभाव गुरुजनों के प्राप्त होने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई निधन पोटी में आते हैं हम तो अब ससाधन है अभी तो हम तो इससे इतने दुष्ट साधन हो चुके हैं कि सारे साधन सुलभ होने के बाद भी हम पुष्टि प्रश्न करते हैं कि कैसे सेवा बने कैसे नाम सेवा हो, कैसे स्वरूप सेवा हो, कोई साधन नहीं है कोई करने वाला नहीं है कौन करेगा पीछे से इत्यादि इत्यादि हम बहुत सी प्रपंच करके अपने आप को खुद ही असमंजस में डालने वाला एक समाज बन के रह गए हैं आचार्य चरण ने तो हमको सेवा याम वा कथा याम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेद की दिव्य आज्ञा कितने वर्षों पूर्व ही की सेवा निभे तो सेवा निभाओ सेवा नहीं निभे तो कथा पक्ष में आ जाओ कथा पक्ष में नाम नाम स्मरण करो गुणगान करो जप करो कीर्तन करो भागवत जी के पारायण करो भगवत गीता के पारायण करो हमारे यहाँ तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम त्रिविध नामावली षोडश ग्रंथ अष्टाक्षर के पुरुष चरण करो जितना हो सके उतना अष्टाक्षर पंचाक्षर का दृढ़ आग्रह रखो आज हम तो जिन सूरदास जी की वार्ता में चल रहे हैं वो सूरदास जी ने ही दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो इसमें आठ और पांच तेरा अक्षरों में ये दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो ये लिख के हमको संकेत में बताया कि अष्टाक्षर और पंचाक्षर रूपी ही ये दो चरण हैं कि जो भक्ति में अपन को प्राप्त है तो जितना हो सके उतना अष्टाक्षर और पंचाक्षर का सातत्य हम रखें और जब अष्टाक्षर पंचाक्षर का नैरंतर्य हमारी भगवत सेवा और हमारे भगवत भाव भावित जीवन में जब आएगा तब जाके ही हमको इन वार्ताओं को भी सरहस्य पढ़ने का एक आनंद आएगा और अपने को अनुभव होगा कि क्या दिव्य अनुभव की अनुभूति इन सब महानुभाव भगवदीय जनों ने जो वास्तव में आज तो हम अपने अपने नामों के आगे केवल प भ आग्रहपूर्वक लिखला लिखवा लेते हैं हम अपने आप को परम भगवदीय संबोधन करवा लेते हैं लेकिन वास्तव में जो परम भगवदीय हुए हैं उन परम भगवदियों के आगे हमारी भक्ति कितनी भागवत है कि इसका तो थर्मामीटर हमको खुद ही लगा के खुद ही चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारा बैरोमीटर और थर्मामीटर सही है कि नहीं मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूं कि महाप्रभु जी के राजा कृष्णदेव राय को किए गए उपदेश से एक थर्मामीटर खुद ही अपने में लगा के देख लो कि हम क्या बराबर एक वैष्णव का जीवन जी रहे हैं आचार्य चरण ने कृष्णदेव राय राजा को आज्ञा की थी दैवत्व दैवत्व गुरु अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर यदा श्रकुंड्रादि निधारणे पर जयंती एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवते धर्मम भागवतम चरित हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखा न अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जयत तो ये श्लोक में पूरा एक वैष्णव जीवन कैसा होना चाहिए किस प्रकार का एक वैष्णवी आचरण हमारा होना चाहिए जिससे हम भगवत भक्तों की कहीं कही ना कहीं कोई ना कोई नहीं गणना में अपने आप को खड़ा कर सके उन लोगों के पास मतलब हम हरे तो पादय का मूल दासानुदास हो भवितास में भूया तो दासों के दास का दास का दास भी होने की हमारे में अगर कोई क्षमता हो तो जैसे हमको तो सुखदेव जी ने आज पांच हजार वर्ष पूर्व साढ़े पांच हजार वर्ष पूर्व ही सुखदेव जी ने शुक्र चरण में स्वयं कहा किरात हूणान पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये च पापा यदुपाश्रियाश्रया शुद्ध्य तस्मै प्रभविष्णवे नमः यदि हम तो भगवद आश्रित लोगों का आश्रय भी ले लें तो भी हम शुद्ध हो जाएंगे जब पाप योनि में पड़े लोग भगवत आश्रित भक्तों का अगर आश्रय लेकर शुद्ध हो सकते हैं तो माम ही पार्थ व्यपाश्रुत वाले क्यों परागति को प्राप्त नहीं हो सकते आज महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं दैवत्व गुरोर अनुग्रहशा जातक प्रपत्तिर यदा जब भगवत कृपा तुम पे हो जाए और तुमको गुरु के अनुग्रह से जब तुमको प्रपत्ति शरणागति प्रपत्ति आत्मनिवेदन जिसको हम कंठी और ब्रह्म संबंध कहते हैं जब कंठी और ब्रह्म संबंध प्राप्त हो जाए तो श्रक पुण्रादि निर्धारण तब तो दो कंठी रोज पैरो मतलब रोज रोज पैरो मतलब पैरे ही रहो इति सर्वेशु कालेशु न कंठमालिका कंठ क्षणार्धम तद विहीनोपी विष्णुद्रोही न संशया यदि विष्णुद्रोही नहीं होना है क्षणार्थ तो भी कंठी से विहीन मनुष्य को नहीं रहना चाहिए आज दो कंठी के जो हमारे यहाँ अभाव हमको दिखता है लोगों में और बहुत मतलब बहुत ग्लानी होती है कि जब वैष्णव के हम सुने कंठ देखते हैं तो हमको लगता है कि इनका क्या परिचय है कैसे कोई जाने के ये वैष्णव है अरे भाई गले में कंठी दिख रही है तो दिख रही कंठी दिखनी चाहिए कंठी दिखाने ही की चीज है बड़े बड़े पारा की सुंदर सुंदर मणका की कंठी पहनने का ही हमारा एक शौक होना चाहिए क्योंकि यही हमारा मूल आभूषण है तो अच्छी कंठी पहनना कुंड्र ऊर्धपुंड तिलक धारण करना आज ये अंगरखी के कारण और हमारे सिले हुए कपड़े पहनने के कारण हमारे द्वादश तिलक धीरे धीरे लुप्त तो हो गए द्वादश तिलक नहीं पर कम से कम अपने उन्नत ललाट पे एक दंडाकार शुभ्र तिलक तो कुमकुम का भगवत प्रसादी कुमकुम का हो कि जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ये हमारा वैष्णव है तो मुझे मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कंठी पहरा हुआ व्यक्ति तिलक लगाया हुआ व्यक्ति, स्त्रियों में हम देखें तो एक सुंदर सी टीकी लगी हुई एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव महिला क्या क्या गजब का आभूषण है गोपीजनों के साथ आपका सामने हो सकता है आपको देख के लग सकता है कि हाँ भाई ये गोपीजनों की तरह खुद भी अपने ललाट पे भगवत प्रसादी कुमकुम -कुम की और भगवत प्रसादी सिंदूर की टिकी लगाती हैं तो मतलब एक एक प्रकार का लावण्य दिखता है उससे एक भगवत भक्त होने का एक लावण्य दिखता है तो सरकु पर जयंती एकादशी नाम घर में जयंती व्रत होते हैं नरसिंह जयंती राम जयंती वामन जयंती कृष्ण जयंती पे व्रत होते हैं तो पर जयंती एकादशी नाम प्रतम चौबीस एकादशियों का पालन होता है तो यदि हम कंठी पहन रहे हैं तिलक लगा रहे हैं जयंतियों पे व्रत कर रहे हैं एकादशी का हम व्रत करके उस एकादशी का पालन कर रहे हैं एकादशी की सब विधान का तो जयंती एकादशी नाम धर्मम भागवतम चरे कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम हम भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं धर्मम भागवतम चरे तो कैसे कर रहे हैं धर्म हरि कथा सबसे पहले हमारे घर में नित्य सत्संग होता हूँ और चाचार्य भक्त्यार्चनम आचार्य का पूजन होता हो घर में आचार्य बालकों की पधरावनी होती हो साथ में जो भगवत भक्त भग तो अपने घर आते हो उनका हम प्रसाद और भगवत प्रसादी नैवेद्य से हम उनका आतिथ्य कर सके तो चाचार्य भक्त्यार्चन और पापम तद विमुखान न अर्पित भोजिव और चान्याश्रयम वर्जे चार चीज से हम दूर रहे जिसको लोक और वेद में पाप कहा है दोष कहा है अघ कहा है उनसे हम दूर रहे तद विमुखान भगवत विमुखों का हम संग न करते हों भगवत विमुखों का संग मतलब अन्यथा उनके साथ बैठकर अपने इस भंगुर देह को प्रतिक्षण और बर्बाद करने से बेटर है कहीं बैठ के दस मिनट सत्संग कर ले तो पाप हम तद विमुखान न अर्पित भुजे जितना हो सके उतना असमर्पित से दूर रहना और चान्याश्रयम वर्जे और अन्याश्रय तो कभी ही नहीं करना मतलब अन्य भजनम तर स्व गमन एवच प्रथना कार्य मात्र विवर्जे अगर हम ये सब कार्य कर रहे हैं तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं ये हाँ ये एक अच्छा वैष्णव जीवन जी रहा है है कंठी तिलक लगाता है आचार विचार घर में रखता है भागवत धर्म के पालन में आचार विचार स्वतः आ गए अपरस करना ठाकुर जी अप्रस की अपरस की मेढ और अन्य घर की मेढ अलग रखना ये सब ये सब एक सहज धर्म है पुष्टि मार्गी के इस इसके लिए कोई सींग और पूछ नहीं आने वाले ये सींग और पूछ के बिना सहजता से जिनके जीवन में इस प्रकार की शुचिता इस प्रकार का पावित्र इस प्रकार की एक व्यवस्था घर में बैठ जाए कि इस समय में ठाकुर जी के संस्पर्श की अवस्था में हूं तो आदमी अप्रस में है तो ये सब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये कॉन्सेप्ट्स ही व्यक्ति के जीवन में उतर जाएं इनके लिए वार्ता साहित्य है एक पता चले कि कितनी विषम से विषम परिस्थिति में मृच्छा क्रांतेशु देशेशु पापई का निलयेशु च सत्पीड़ा व्यग्र लोक में ये दो सौ वैष्णवों ने कृष्ण एव गतिर मम किया है आज मैं और आप तो सौभाग्य से प्रजातांत्रिक धर्म निरपेक्ष राज्य में पड़े हुए हैं हमारे राष्ट्र का तो कोई धर्म भी नहीं कि कोई ये राष्ट्र धर्म एक सा हो राष्ट्र धर्म अपने आप में ही हमारे लिए राष्ट्र धर्म है राष्ट्र का कोई स्वतंत्र कोई धर्म नहीं है और अगर है तो भी वो वैदिक नहीं है केवल मानव धर्म मात्र के मूलभूत सिद्धांतों पे ये राष्ट्र चले चला जा रहा है जो कि एक सामान्य सी बात है हर मानव को मानव धर्म के साथ तो जीना ही चाहिए नहीं तो उसका जीवन ही पशुवत हो जाएगा तो ये तो कोई बहुत वैशिष्ट नहीं है इस देश का लेकिन फिर भी जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग गर्भ के साथ अपने आप को इस्लामिक कंट्री बता सकते हैं वैसे हम अपने आप को आज भी एक हिंदू नेशन नहीं कह सकते वो भले न कह सकते हो अभी भी लेकिन आपको कम से कम धर्माचरण से कोई रोक तो नहीं रहा है उस काल में तो आप देखो कि कितना भयाक्रांत तो हो के व्यक्ति धर्म भीरु समाज जैसे तैसे धर्म का निर्वाह करता आपने विचार करके देखा होगा तो अपने यहाँ अचल स्वरूप बहुत कम है पुष्टि मार्ग में अचल स्वरूप महाप्रभु जी जी के संसेव्य तो बहुत ही कम। क्यों कम क्यों है? आप विचार करो कहीं पे प्रभु की अचल प्रतिष्ठा करके और बड़ा मंदिर संस्थापित करके सेवा करने का वो काल में युग ही नहीं था वो काल में समय ही ऐसा था कब कहा से अपने ऊपर यवनों का आक्रमण हो मुगलों का आक्रमण हो का आक्रमण हो देशांतर करना पड़े ठाकुर जी लेके भागना पड़े तुरंत झांपी करके निकल जाना पड़े अपना सर्वस्व समेटने के समय अपने निजी स्वरूप को पधरा के भी भागना पड़े ऐसी परिस्थिति में कहा आचार ठाकुर जी को वापिस उनको चलाए मान करोगे चरण चौकी से बार बार बड़े करोगे पधराओगे ये सब प्रपंच हमारे पूर्वाचार्यों ने रखी ही नहीं आज भी हम हमारे यहाँ के निधि स्वरूपों को देखें तो हमारे निधि स्वरूप जो हैं वो महतो महत्व ही हैं वो छोटे छोटे ही हैं सब निधि स्वरूप क्यों हैं क्योंकि उनका महत्व ही बहुत महान है महतो महत्वम तो उनका उनका स्वरूप कैसा है अणोरणियान छोटे छोटे स्वरूप है कुछ कारण रहा होगा ना क्यों ऐसा किया बस व्यक्ति जहां हो उसके साथ उसके ठाकुर जी भी वो जहां रहे वो अपने ठाकुर जी को कुछ भोग धर के अपना जीवन निर्वाह कर सके वो अपने ठाकुर जी को भोग धरे बिना अपनी आजीविका न चलाए अपना न भोगे, इस कारण महाप्रभु गुसाई जी ने बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को पुष्टाया ही नहीं बड़े बड़े भगवत स्वरूपों की संस्थापना यात्रा सर्वत्र की ही नहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने दो भगवत स्वरूपों को अचल रूप से प्रतिस्थापित किया पूर्वार्ध के ठाकुर जी हमारे गोवर्धन शिनाथ जी और उत्तरार्ध के ठाकुर जी बेट विराजमान द्वारका द्वारकाधीश दो भगवत स्वरूप हैं जो श्री महाप्रभु जी के द्वारा जिनकी अचल प्रतिष्ठा की गई जिनको पुष्टा के आपने उस प्रकार से पधराए उसमें भी आप देखोगे तो पुष्टि मर्यादा का अथवा मर्यादा पुष्टि का मैं तो मर्यादा पुष्टि नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि श्री महाप्रभु जी के द्वारा पुष्ट करके पधराए गए पुष्टि मर्यादा का क्रम जो रखा गया वो श्री द्वारकाधीश प्रभु बेट में रखा गया और साथ ही में जहाँ पे शुद्ध पुष्टि कि वहां पुष्टि पुष्टि का क्रम रखा गया सेवा में वो हमारे गोर्धन धर्शनाथ जी जो अद्यावधि नाथ द्वारा में विराजमान है सानंद विराजमान है ये दो भगवत स्वरूपों को ही श्री महाप्रभु जी ने अचल रूप से पधराए इसके अलावा तो श्री मुकुंद जी श्री नवनी प्रिया जी मथुराधीश विठल नाथ जी से लेकर मदन मोहन जी श्री जी पर्यंत सभी भगवत स्वरूपों को आपने ऐसे ही क्रम से पधराए कि जिनको समय पे लेकर स्थानांतर और देशांतर किया जा सके आप उस समय की परिस्थिति का विचार करो तो आपको होगा कितने कठिन समय में कैसी भाग दौड़ के युग में और कैसी एक प्रकार की राजनैतिक महामारी के युग में हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने के भगवत धर्म को संरक्षित रखने के लिए कैसी-कैसी और आज उन सब चीजों का पालन भी उन भगवत भक्तों ने कितनी दृढ़ता के साथ किया आज श्री सूरदास जी को जब अपन ने कल देखा कि आप शरण गए वो शरण गए और, गए और जा, जाते ही क्या प्रकार से फल फलित तो हो फल रूप जाने क्या भाई जिसके फल फलित तो और फल रूप जाने वो तो साक्षात उसको ही अनुभव हो रहा है तो उसने तो कल गा लिया चरण सरोवर जहाँ नहीं प्रेम अभियोग तो आज उनको लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्य मानम कला निधि के वो कला निधि भगवान गोवर्धन धर के जो पूरे स्कंद में विहार कर रहे हैं जो समग्र पूरी श्रीमद भागवत जी में आप बिहार कर रहे हैं ऐसे हमारे अत्र सर्गो विसर्ग स्थान पोषण मूतय मनवंतरे तथा निरोधो मुक्तिराश्रय ऐसी दशधा लीला दशधा विनोदी भगवान और दशलीला युतम सदा जो श्री श्रीकृष्ण परमानंदम दशलीला युतम सदा सदाक्त समुद्धारे परम विस्फुर के रूप में जो विराज रहे हैं जो नमो भगवते तस्म कृष्णा याद्भुत कर्मणे कर्मे रूपनाम विभेदेन जगत्ति यो यत में गोर्धन दर्शनाथ जी के रूप में और नाम के रूप में आप साक्षात्म भागवत जी के रूप में और पंचात्मक च साधने बहु रूपक स्वानंददाय कृष्ण ब्रह्म परम नम अग्निहोत्रम तथा दर्श पौर्णमास पशुस्तता चातुर्मास्या सोमस्य क्रमात् पंच हरि जो यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवत ईरियते ये भागवत जी में अवतारी हरि कृष्ण के रूप में विराजमान यज्ञ रूप हरि पूर्व कांड में विराजमान और वेदांत में ब्रह्म तनु परे साकार ब्रह्म के रूप में भगवान वेदांत में विराजमान तो ऐसे यज्ञ रूप वेदांत में प्रतिष्ठित ब्रह्म और साक्षात हरि कृष्ण जो भागवत जी में विराजमान है आज आदौ देव की देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे ताप जीवतापरणम गोवर्धनोद्धारणम छेदन कौरवादि हननम कुंती पालनम एतद भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम ये पूरी कृष्ण लीला ही है भागवत जी हमको लगता है कि प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद में केवल दशम स्कंद है वो कृष्ण की लीला है नहीं हर स्कंद में श्री कृष्ण लीला ही चल रही है क्योंकि जब भी प्रभु बोल रहे हैं तो वहां एक ही वाक्य आ रहा है श्री भगवान वाच कोई भी रूप में ठाकुर जी आप आज्ञा करें वहां लिखा हुआ क्या आता है श्री भगवान वाच जी में क्या आता है श्री भगवान वाच गीता हो के भागवत हो वहां प्रवक्ता तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं और विशेष में दशम स्कंध में तो वैशिष्ट क्या बताया पूर्वाचार्यों ने सुबोधनी जी में आचार्य चरण ने स्वयं कि जिस समय पर सुखदेव जी ने दशम स्कंद सुनाया तो सुखदेव जी ने दशम स्कंद नहीं सुनाया सुखदेव जी में आविष्ट होकर उनके हृदय स्थित होके तो भगवान श्री कृष्ण ने ही दशम स्कंद को गाया एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैया सखी स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकलम शगनम व्याहृत मारभत भागवत प्रधान तो उन भागवतों में जो प्रधान ऐसे श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित वहां है उन्होंने एक दूसरे की अर्चना करके वाणी से एक दूसरे का पूजन करके एक दूसरे के भावों को सराहा और जब ये व्याख्यान शुरू किया कृष्ण लीला का तो वैया सकी सब भगवान तो उस समय पे सुखदेव जी में भगवान पधारे और साक्षात भगवान ने ही अपनी संपूर्ण कथा को और ये राजा परीक्षित और परीक्षित के माध्यम से हम सबको सुनाया कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिस समय श्री महाप्रभु जी आप दशम स्कंधस्थ अध्याय अनुक्रमणिका भी सूरदास जी को सुना रहे हैं जिस समय नमामि हृदयय शेषे शे, लीला क्षीराब्धि साहिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभि सेव्यमानम कला निधिम करा रहे हैं तो वो कला निधि तो संसेव्यमान सूरदास जी के द्वारा तभी हो गई जब उन्होंने प्रथम पद रचा और अब उसका प्रमाण किया तो अब उसका प्रमाण जो है वो आगे उनकी वार्ता देगी कि किस प्रकार से उनको केवल समझो कि के प्रभु की भागवतोक्त या केवल स्कंधोक्त लीला ही नहीं तदंगमस्य और उसके रूप नंदालय की लीला निकुंज की लीला प्रभु की बाल लीला प्रभु की विविध अन्य जो भगवान के द्वारा आ, की लीलाएं हैं वो सब आपको कैसे पूरी सो कह रहे हैं कि जो यामे कहे तामे जान परी जो सूरदास को सगरी लीला श्री सुबोधिनी जी की पूरी सो सुन के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और जाने जो अब लीला को अभ्यास भयो लीला को अभ्यास भयो सो तब श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ते सूरदास को आज्ञा किए जो सूर कछु नंदाले की लीला गाओ तब सूरदास ने नंद महोत्सव को कीर्तन वर्णन करी गायो व्रज भयो महिर के पूत जब यह बात सुनी सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि जैसे पुष्टि मार्गीय सेवा का किसी भी घर की हो सातों घरों में पर किसी भी घर की जब सेवा का प्रारंभ होती है तो सेवा प्रणाली का जन्माष्टमी के क्रम से ही शुरू होती है और उसी प्रकार से अपने पुष्टि मार्ग में कीर्तन का भी जब प्रारंभ होती है तो कीर्तन का भी जन्माष्टमी के पदों से ही शुरू होती है जैसे कीर्तन प्रणाली का स्वयं जैसे नित्य के पद हैं, जैसे मैं खाली प्रासंगिक इसलिए स्मरण करा दू के नित्य के पदों का जो गान अपने ठाकुर जी में होता है उसमें क्रम प्राचीन आचार्यों ने और पुराने कीर्तनियाओं ने भी परंपरा से यही रखा है कि पहले श्री महाप्रभु जी के पद श्री गोसाई जी के पद श्री यमुना जी के पद फिर जगाये के पद और कले के पद होते हैं और ये जो अपने मंगला का क्रम है ये मंगला का क्रम यथारूप ही बारह महीना रहता है सबसे पहले आलापचारी आलापचारी में श्री गोवर्धन उद्धर मैंने पहले भी जब हमारी लॉकडाउन सीरीज चल रही थी तब तो इस विषय के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश करने का प्रयास किया था कि जब आप कीर्तन पुस्तकों में ये श्री गोवर्धन उद्धरण धीर लाडिलो लल वर गाइये इस आप पूरी आलापचारी के पद को इसको आलापचारी का पद कहते हैं नित्य में ये भैरव में होती है वसंत के दिनों में वसंत में होती है मल्हार के दिनों में मल्हार में होती है नित्य में अपन ठाकुर जी में इसको भैरव राग में गाते हैं <coughs> मतलब भैरव नाम के राग में अपन सबों का जो कंठ भैरव की तरह ही चलता रहता है वो नहीं भैरव राग बराबर जो भैरव राग गाया जाता है मैं उसके लिए सबका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि सबसे पहले आलापचारी होती है आलापचारी के बाद, महाप्रभु जी के पद, पदाई जी के पद श्रीनाथ जी के पद बेके और कले आप देखो आलापचारी के लिए मैं खास आग्रह इसलिए कर रहा हूँ वैष्णव को एक बहुत सूक्ष्म संकेत में बड़ों ने कुछ बात बताई है जल्दी से हम संप्रदाय के सब रहस्यों को तो नहीं जान पाते लेकिन धीरे धीरे जब हमारे सामने एक एक बात खुलती है तो हमको आश्चर्य के साथ आनंद यह होता है कि हम ठीक है बहुत आग्रह शिनाथ जी भागते जरूर है शिनाथ जी के दर्शन करने के लिए लेकिन शिनाथ जी तो हमारे घर विराज रहे हैं और वो शिनाथ जी तुम्हारे घर विराज रहे हैं इसका आपको नित्य अनुसंधान हो इसलिए कीर्तन प्रणालिका में आलापचारी दी होती है आलापचारी को ध्यान से देखना आलापचारी के एक एक शब्द में वर्णित जो भगवत स्वरूप है उनकी संख्या को आप देखना श्री गोवर्धन उद्धरण धीर लाडिलो ललनवर गाइये आनंद की निधि गाइये लाडिलो ललनवर गाइये इसमें गोवर्धन उद्धरण धीर फिर उसके बाद लाडिलो ललनवर लाडिले लाल श्री नवनीत प्रिया जी तीसरे ब्रज की निधि सब गाइए श्री यमुना जी और यमुना जी का परिकर उसके बाद श्री गिरिराज जी को स्वतंत्र से संबोधन दिया गया है गिरिराज जी का स्वरूप फिर श्री बालकृष्ण जी श्री मदन मोहन जी और आनंद की निधि सब गाए। आनंद की निधि मतलब श्री महाप्रभु जी एक बात याद रखना हम आनंद आय नम से शुरू होते हैं आनंद परमानंद श्री कृष्ण कृपा निधि लेकिन जब हम अशेष भक्त संप्रार्थ चरणाब रजोधना एक सौ आठवा नाम ले, ले लेते हैं उसके बाद बोलते हैं इत्यानंद निधे प्रोक्तम नामना शतम श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यह पठतन जन सदम सिद्धि मुक्ता संशयम तो इत्यानंद आनंद की निधि जो है वो साक्षात श्री आचार्य चरण है वल्लभाचार्य चरण है तो ये आनंद की निधि महाप्रभु महा जी महाप्रभु जी के पादका जी बिराजते हैं मदन मोहन लाल जी बिरासते हैं लाल जी बिरासते हैं श्री गिरिराज जी बिरासते हैं श्री यमुना जी श्री झारी जी के रूप में और ऐसे तो मूर्तिमंत आप साक्षात श्रीनाथ जी के संग आप विराजते ही हैं गोवर्धन धरण धीर बिराजते हैं और श्री नवनीत प्रिया जी बारंबार आप गोद गोद में पधारते हैं और के ठाकुर जी के रूप में तो आप वहां नित्य बिरासते ही हैं तो आप देखोगे तो ये आलापचारी में सुबह सुबह बताया जाता है कि आनापचारी नवनीत प्रिया जी गवाखा में बिरासते बालकृष्ण जी श्री गवाखा में बिरासते श्री गिरिराज जी श्री मदन मोहन जी और पादुका जी और तथा ब्रज की निधि जो साक्षात पूरा गोलोक साक्षात पूरा निकुंज और साक्षात जो पूरा नंदालय श्रीनाथ जी में परोक्ष रूप से बिराजी रहा है जो हमको किन ही कारणों से इन चरम चक्षुओं से द्रिश्ट, पथ गोचर नहीं हो पाता वो जब महाप्रभु जी कृपा करेंगे तब होगा ही तो कहने का तात्पर्य है कि ये चीज क्यों हम सुबह सुबह गा रहे हैं या हम इसलिए गा रहे हैं ताकि हमको नित्य अनुसंधान हो कि हमारा घर भी जो है वो साक्षात भगवान मंदिर ही है और हमारे मंदिर में विराजमान जो हमारे श्री बालकृष्ण लाल जी या मदन मोहन जी या यात्री गोवर्धन नाथ जी जो भी रूप में हमारे पुष्ट प्रभु हमारे माथे बिराज रहे हैं वो साक्षात श्रीनाथ जी का निज मंदिर ही है वो साक्षात श्रीनाथ जी का ही भवन सदन है कि जहाँ श्री जी बाबा आज बिराज रहे हैं तो श्रीनाथ जी के आसपास जितनी भी अलौकिक पुष्टि मार्गी दिव्य निधि बिराज रही है वो सब भी मेरे घर में विराज रहे हैं कालिंदिम स्वगुरुम गिरिम गुरु भुश्च स्मरे तो जैसे मंगलाचरण में भी बताया कि श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यंगण प्रियम से लेके अः कालिंदीम स्वगुरुम गुरु विभुम स्वीय प्रभुश्च स्मरे ये समस्त निधि मंडल को आप अपने ठाकुर जी के रूप में देखो आप अपने घर विरासते ठाकुर जी में आप इनको देखो स्वीया प्रभु स्मरे और अपने प्रभु का भी स्मरण करो पर ये स्मरण करो कि ये सब और कहीं और विद्यमान नहीं है ये सब मेरे ठाकुर जी के रूप में ही मेरे माथे विराज रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पुष्टि मार्ग सुबह सुबह ठाकुर जी को जगाने के पूर्व से ही आपको ये संबोधन शुरू कर देता है कि जो ब्रिज है वो आपका घर है जो श्रीमद गोकुल है वो आपका घर है जो श्रीनाथ जी का निज मंदिर है वो आपका घर है जो नंदालय है वो आपका घर है जो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के घर में जो प्रभु विराज रहे हैं वो ही आपके घर में विराज रहे हैं तो जो निधि स्वरूपों के रूप में वल्लभ कुल के माथे आपके गुरु विभूम के रूप में विराज रहे हैं वो ही स्वीय हैं देखो पुष्टि मार्ग से किसी भी काल में मतलब भूत काल, वर्तमान और भविष्य काल में कभी भी ग्रह सेवा को नहीं हटाया जा सकता पुष्टि मार्ग में जो है वो ग्रह सेवा ही अपन सबों का मूल है मूल जड़ पुष्टि मार्ग की जड़ कहीं है तो ग्रह स्तित्व स्वधर्मता ग्रह स्तित्व स्वधर्मता के सिद्धांत को जो भी छेड़ने जाएगा वो श्री महाप्रभु जी के मार्ग से बाहर हो जाएगा अपने घर में मंदिर होता है मंदिर में ठाकुर जी होते हैं ठाकुर जी अपने घर बिराजते हैं अपने माथे बिराजते हैं पर कहा बिराजते हैं अपने घर के मंदिर में ही बिराजते हैं ठाकुर जी मंदिर में ही बिराजता मंदिर घर में होता है घर अपना होता है अपने ठाकुर जी होते हैं अपन ठाकुर जी के दास होते हैं ये सब जो अनन्य संबंध हैं इसी से एक घर में ठाकुर जी विराजते हैं ये संबोधन बनता है आज इन अष्ट सखाओं को भले स्वतंत्र श्री ठाकुर जी अलग से नहीं पधराए गए लेकिन आप देखो कि इनको अलग से ठाकुर जी नहीं पधराए गए पर ठाकुर जी को इनमें पुनश्च श्री महाप्रभु जी गोस्वामी जी द्वारा इनके हृदय में स्थापित किया गया मतलब जो श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु हैं वो श्री कृष्ण हार्डवित हैं तो जैसे आप श्री कृष्ण हार्डवित हैं वैसे आपने इन सखाओं को भी पुनः श्री कृष्ण हार्डव्यता तो बना ही दिया कि श्री ठाकुर जी के हृदय में क्या है ये जानते और जान के तुरंत गा के सुना देते तो उन्हीं हमारे श्री सूरदास जी ने ये ब्रजभयो महिर के पूत जब यह बात सुनी ये 15 टुक में पंद्रह बड़ी बड़ी टूक में ये बड़ी लीला जन्माष्टमी की बड़ी लीला के रूप में इस लीला का गान किया तो जैसे नित्य के पदों में हम सबसे पहले आलापचारी महाप्रभु जी गुसाई जी जगाय यमुना जी जगाए वे के और कलेव के पद करके फिर हमारे ठाकुर जी को हम जगाते हैं और जगाते जगाते मंगल भोग धरते धरते पर्यंत तक हम जैसे कलेव आदि के पद करते हैं तो उसी प्रकार से जब वर्षोत्सव का कीर्तन प्रणाली का क्रम शुरू होता है तो सबसे पहले श्री सूरदास जी की ये कृति से ही सारी कीर्तन पुस्तकें बनी होती हैं सबसे पहला पद ही आपको यह मिलेगा महिर के जब यह बात सुनी और इसमें आप देखोगे कि एक पांचवी टूक है पांचवी टूक में है पिय पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी लयी भीतर भवन बुलाए सब शिशुअन पाये परी एक वदन उगारी, निहारती देत यशोदा यशोदानंद पूर्ण काम करी तो ये जो ये पद में वर्णन है वो समग्र नंदस्तुआत्म जो उत्पन्न जाता लादो महामना आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचिर अलंकृता वहां से प्रारंभ होके जो दस कारिकाएं हैं उन पूरी दस से ग्यारह कारिकाएं नंद महोत्सव की जो बताई जाती हैं उनका सबका ही सबोधनी का सारांश इस ब्रजभयो महिर के पुत्र में श्री सूरदास जी ने पधराया है और इसके साथ-साथ मतलब साथ, कृष्ण योगेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते और तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्वसमृद्धिमान हरेर निवास आत्मगुणैहि रमा क्रीड़न मभुन् इस कारिका को सार्थक करते करते आप यहाँ तक पहुंचे और तब घर घर भेरी मृदंग पटा निशान बजे वर बांधी बंदन माल सजे तब ता दिन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे सुनी सूर सबन की यह गति जो हरि चरण भजे मैं पुनः एक बार समग्र वैष्णवों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा कि इस पद की छल्ली टूक जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण का ब्रजभाषा कवित्त का एकमात्र वाक्य है। इस, पद में इसकी जो है इस पद की जो है, वो साक्षात श्रीमद आचार्य चरण ने की है संपूर्ण वार्ता साहित्य में आपको गद्य संवाद के रूप में श्री महाप्रभु जी के बहुत से वाक्य पुरुषोत्तम भाषा ब्रजभाषा में मिलेंगे लेकिन ब्रजभाषा में श्री महाप्रभु जी का लिखा हुआ पद वो केवल इसी एक पद में अंतिम कारिका के रूप में अंतिम कड़ी के रूप में हमको देखने को मिलता है कि जब सूरदास जी ने गाया कि तब ता दिन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे तब कई सुनी सूर सबन की यह गति जय हरि चरण भजे ये वाक्य श्रीमद आचार्य चरण का है और आचार्य चरण ने इस वाक्य से इस लीला को संपूरित करते हुए और पूरे ब्रजभाषा साहित्य को अपने जगत गुरु की वाणी से अलंकृत किया Uh, मैं समझता हूँ कि भगवत पाद शंकराचार्य भगवत रामानुजाचार्य भगवत पाद, पाद मध्वाचार्य श्रीमन मध्वाचार्य श्री निम्बार्काचार्य और जगत गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण इनमें निम्बारक संप्रदाय में भी ब्रजभाषा का काफी प्रयोग हुआ लेकिन सबसे पहले हमारे संप्रदाय से ही ब्रजभाषा साहित्य प्रारंभ हुआ और कुंभनदास जी से ही सबसे पहले ब्रुज भाषा का कवित्व ब्रजभाषा में ये कीर्तनों का सृजन एक ब्रजभाषा कविता के रूप में सांझ के सांचे बोल तिहारे दास जी के इस पद से ही ब्रजभाषा पुनः प्रागट्य हुआ मतलब जैसे लीला के समय पे सारस्वत कल्प आदि में श्वेतवारा कल्प के भी द्वापर में ब्रजभाषा नित्य रही होगी गोकुल के और ब्रज के प्रांतों की प्रांतीय भाषा जैसे अयोध्या आदि चित्रकूट आदि स्थानों में अवधि भाषा रही वैसे हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग की भाषा पुष्टि पुरुषोत्तम के घर गांव की और उनके प्रांत की भाषा मार्ग जो रही है तो पुष्टिमार्गीय साहित्य का जो आज ये सूर सागर परमानंद सागर गोविंद सागर आदि इतने बड़े बड़े महासागर जो कीर्तनों के रचे गए उन सबके सृजन के मूल में अगर कहीं जगत गुरु आचार्य की वाणी भी हमको देखने को मिलती है तो वो ये सूर साहित्य को ही अलंकृत करती हुई हमको ये श्री महाप्रभु जी के, के महात्म है वो वार्ता हमको बता रही है कि सो यह बड़ी भदाई गाई सोश्री नंदराई जी के घर को वर्णन किए तहां ताई तो श्री आचार्य जी आप सुने जब तक नंद महोत्सव में नंदालय के आ, मैं किस प्रकार से नंद महोत्सव को मनाया गया वहां तक का वर्णन हुआ वहां तक तो आचार्य चरण ने धारणा अवधारणा की उसकी आपने उसको श्रवण किया गोपीजन के घर को वर्णन कर लागे तब श्री आचार्य जी आप श्री मुक्त सूरदास को कहे कि सुन सूर सबन की यह गति जो हरिचरण भजे सो या भोग की तुक आप कही के सूरदास को चुप करी दिए यहां वार्ता कह रही है कि इसके बाद सूरदास जी को आगे घर घर में कैसे ढंग से नंद महोत्सव हुआ विशेष करके गोपीजनों के देखो मैंने आपको जो पूर्व में कारिका की इस पद में से वो क्या की कि जब सबसे पहले श्रुति रूपा गोपी जनों ने मेरे शब्दों को श्रवण करिएगा जब सबसे पहले श्रुति रूपा गोपीजनों ने जब ठाकुर जी के दर्शन किए तो क्या किया पीए पहले पहुंची जाए अति आनंद भरी वो सबसे पहले अपने पीए के घर पहुंची जाए और लई भीतर भवन बुलाए और जैसे ही यशोदा जी ने श्री रोहिणी जी ने नंदा जी ने देखा कि हाँ, सब समस्त गोपी जन आप प्रभु के दर्शन करने तो अंदर भीतर भवन बुलाए ये भीतर भवन बुलाए का तात्पर्य है जापा कोठा में बुलाए जापा कोठा मतलब जहां प्रभु का जन्म हुआ था उस कोठा तक में उनको प्रवेश दिया और जैसे ही उनने प्रभु के दर्शन किए तो वहां कह रही है वो शिशु के वो जो दिव्य शिशु है शिशु कृष्णोस्माकम जो प्रभु कृष्ण है अपने बाल कृष्ण साक्षात वो इन शिशु कृष्ण के जाके वो चरण पड़ी और ये जब सबसे पहले देखो गोपी जनों ने जाके चरण स्पर्श किए हैं आज हम जाते हैं ठाकुर जी की सेवा में तो सेवा में जाते ही पलंगड़ी जी को दंडवत करके सबसे पहले आज्ञा मान के श्री मुखिया जी से क्यों कहते हैं कि हम चरण स्पर्श करें और ठाकुर जी से भी आज्ञा मांग के हम चरण स्पर्श क्यों करते हैं सेवा में जाते ही हर व्यक्ति चरण स्पर्श का आग्रह क्यों रखता है क्योंकि हमारी आद्याचार्य हमारे संप्रदाय की मूल आचार्य प्रवर्तिका जो सब गोपीजन हैं उन्होंने भी जब सबसे पहले नंदाले में प्रवेश किया और नंदाले में जाके प्रभु का दर्शन किया तो सबसे पहले शिशु और पाए और प्राचीन प्राचीन क्रम ऐसा है कि वो आपके गुजराती में हिंदी में सभी भाषाओं में कहवत है कि पूत के पैर पालना में देख लेने ये बच्चा कैसा है उसका उसका कहा जाके निरीक्षण होगा कि पूत के पैर पालना में देख लेने है। पूत के पैर पालना में देखने मतलब अरे भाई जितने भी भगवान के चरण चिन्ह है वो चरण चिन्ह ये बालक के चरणार में है कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा कि नहीं वज वो सब सब प्रकार के जो दिव्य आयुध और दिव्य चिन्हों से भगवान के श्री चरण जो अलंकृत हैं वो इस बालक में है कि नहीं वो देख के ही तो वो इस निर्णय पे आएंगी कि ये हमारे पति हैं कि नहीं वो श्रुति रूपा है वो साक्षात श्रुतियां हैं वो साक्षात वेद की रिचा है वो भगवत चरणारविंद को देखते ही समझेंगी कि ये भगवान का स्वरूप कैसा है क्या है और किस लीला के लिए आप इस लोक में पधारे हैं और हमारे मनोरथान्तम श्रुतयो यतायु होगा हो कि नहीं व्यवस्थित ये देखने के लिए भी वो ने पाए पर तो सबसे पहले वो आके प्रभु के चरणारविंद का स्पर्श करती हैं और चरणारविंद का स्पर्श करके एक बदन उघारी निहारती देत असीस। एक ने जाके फिर बांधे हुए ठाकुर जी जो वस्त्र से उस समय अच्छा है उनका बदन उघारी मतलब मुखारविंद देखा पहले तो जाके चरण देखे चरण देख के अब मुख दर्शन किया और मुख दर्शन करके सबसे पहले क्या बोली कि चिर यशोदा आनंद पूर्ण काम करे ये नंदस्तु आत्मज हैं ये यशोदानंदन है ये ही गोपीजन उनको बार बार दर्शन करके कहेंगी देव की जठर अभू अरे आप तो देवकी के जठर में से भी आप ही उत्पन्न हुए हो और और लब्ध लक्ष्मी बोलेंगे आगे जाके ये बेणु गीत में जाके तो मानेंगे कि हाँ ये ये, ये यशोदा नंदन तो है ही अभी तो ये ही देव की नंदन भी है ये जैसे नंदनंदन है वैसे ये ही यही वसुदेवानंदन है वो तो सब जानती हैं कि भगवान लोक वेद प्रथित कैसे हैं और लोक वेदातीत किस रूप में है लेकिन वो सबसे पहले यह चेक करने के लिए कि क्या ये केवल प्रथित ही है या लोक वेदातीत है वो सबसे पहले जाके चरण में पड़ी सबसे पहले चरण स्पर्श किए चरण स्पर्श करके मुखारविंद का दर्शन किया मुखारविंद का दर्शन करते ही चिर यशोदानंद पूर्ण काम करी अरे तो ये ता हमारे ही सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमारे ही सब मनोरथों को सिद्ध करने के लिए आप हैं। तो ये ये खूब खूब जिए बड़े और जल्दी हमारा मनोरथ सिद्ध हो और हमको हम इनको प्राप्त हो ये हमारे पति रूप हो और हम इनकी स्वामिनी बने ये ये भाव के साथ सबसे पहले गोपी जी ने दर्शन किया है अब इनकी जब इतनी अंतरंग बातें इतनी अंतरंग भावना नंदालय में आखिर प्रकट हो सकती है तो तो ये जब अपने अपने घर में जाके ठाकुर जी का महोत्सव तो क्या आनंद रहा होगा वो आनंद का वर्णन जब सूरदास जी करने गए तब श्री महाप्रभु जी ने नहीं 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 सूर सुन सूर सवन की यह गति जय हरिचरण भजे अब ज्यादा इसका आगे वर्णन मत करो आगे अधिकारी हूं नब इसके भाव प्रकाश देखेंगे तो हमको पता चलेगा क्यों श्री महाप्रभु जी ने इसमें कहा कि नहीं इसके आगे इस लीला को मत सुनाओ तो कहा कि सो या की तुक आप कही के सूरदास चुप भाव प्रकाश में जी कर रहे हैं। सो जो ब्रजभक्तन को आनंद है सो भगवदीय के हृदय में अनुभव जो ब्रजभक्तन को आनंद है सो भगवदीयन के हृदय में अनुभव योग्य है सो बाहिर प्रकाश होय, तासु सूरदास को भी दिए और सूरदास जी के हृदय में यह भी आयो जो मैंने सेवक किए हैं तिनकी कहा गति होगी तब श्री आचार्य जी ने कही चरण भजे अब देखो हम जब अन्य भी परमानंद आदि के भी पद गाते हैं तो हम कहते हैं धर्म हीते पायो यह धन धर्म हीते पायो नी के राख यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो जान को हरि जप तप जा जान को, को मुनि जप तप खोचन स वेदहूपारण पायो सोधन धर्यो क्षीर सागर में ब्रह्मा जाए जगाए जा ते गोकुल सुख लहियत सगरे काज समारे जा ते श्री गोकुल सुख लहियत सगरे काज समारे परमानंद सोधन बार बार उर अंतर परमानंद विचारे उर अंतर विचारना जा धन ते श्री गोकुल सुख लहियत जो धन से श्रीमद गोकुल सुख लेने वाला है मतलब ये सुख जो है वो संयोग विप्रयोगात्मक दोनों हैं ऐसा नहीं केवल संयोग सुख है यच्च दुखम यशोदाया नंदादी नाम च गोकुले गोपी गोपिकानाम गो, गोपिका गो नाम यद दुखम, दुखम ममक पोचित गोकुले गोपिकानाम तु तो सर्वेशा व्रजवासी नाम यद समभूत तन्मे भगवान क्यों विधास्यति उद्धव आगमने जाता उत्सव वृंदावने गोकुले व तथा मे मनसी क्वचित तो एक है संयोग सुख एक है विप्रयोग सुख एक है संयोग विप्रयोग उभय सुख ये प्रभु मुझे कब देंगे तो ये कब हो सकता है जब एक प्रकार का धन तो ऐसा हो कि जो कभी क्षीर सागर में छिपा हो ब्रह्मा जाए जगाए जा धन को मुनि जप तप खोज जा जब तप करने से जो मिल जाता हूँ लेकिन एक धन जो है वो परमानंद दास जी के उर्ंतर में ही है और वो कौन सा धन है जा धनते गोकुल सुख तो जो धन से गोकुल को सुख मिलने वाला है वो बाहर प्रकट करने की वस्तु नहीं है वो तो हृदय में ही रखने की वस्तु है क्योंकि ये पूरा पुष्टि मार्ग जो है, ये भाव संगोपन का मार्ग है। जितना हो भगवत भाव भगवदियों के साथ का अनुभव भगवदियों के साथ की हुई वार्ता भगवान द्वारा अपने साक्षात्कार का लवलेश मात्र भी संदन संस्पर्श स्पंदन संस्पर्श या कोई प्रकार का संदेश इसको कैसे रखा जाता है श्रीमद आचार्य चरण भी आप आज्ञा करते हैं कि विशेष तस्ेद आज्ञा सद अंत कर्ण गोचर भगवान अपने अंत कर्ण में प्रविष्ट होके कुछ विशेष आज्ञा कभी कभी करते हैं जो विशिष्ट लोगों को ही समझ में आती है बहुत विशिष्ट लोगों को ही पुष्टि मार्ग समझ में आता है तस्मा जीव पुष्टि मार्गे भिन्ना एवं न संशय भगवद रूप सेवा अर्थम तत्सृष्टि नान्य था भवे यहाँ जिनकी सृष्टि हुई है वो केवल भगवद रूप सेवा के लिए हुई है ये सेवा मार्ग में जो आए हैं वो पुष्टि मार्गी है जो भगवत सेवा करना चाहते हैं वो पुष्टि मार्गी है जिनको भगवत सेवा का सौभाग्य मिला है इस देह से इस कलिकाल के कलिकलवश को धोने का जिनको प्रारब्ध दिया गया है महाप्रभु जी के द्वारा श्री शमना जी के द्वारा श्री गोसाई जी के द्वारा श्री गिरिराज जी की कृपा से ये उन लोगों का मार्ग ये उन लोगों का दिव्य संप्रदाय है सो तो सुन सुर सबन की गति जय हरिचरण भजे अरे प्रभु के चरण तो जो भजेगा उसको ये आनंद मिलेगा ही उसको नंद महोत्सव में आनंद आएगा ही वो नंदालय का अधिकारी नंदालय की लीला का अधिकारी बनेगा ही लेकिन निकुंज की लीला का अधिकारी अरे गोपीजनों का तो घर घर निकुंज है उनको गिरराज जी की कंदराओं में निभृत निकुंज में जाने की जरूरत नहीं है गोपी वल्लभ भोग ने तो प्रभु नित्य उनके घर सुबह सुबह ही पधार जा रहे हैं तो जिन गोपीजनों के घर घर जाके प्रभु गोपी भोग में तत्पर हो रहे हैं, जिन ग्वाल बालों को अपने साथ आप अपने साथ डबरा आरोग आ रहे हैं घैया अपने साथ जिनको बांट रहे हैं ऐसे प्रभु जो हैं, वो तो सर्वदा भक्तवत्सल व्रज जनार्थी हन और ब्रज जन सर्वस्व हैं, तो ब्रज जनों के घर में ब्रजवासियों के घर में वहां के उन भगवदियों के घर में नंद महोत्सव कैसे हुआ वो प्रकाश की वस्तु नहीं है क्योंकि तो सुखदेव जी ने भी वहीं तक का प्रकाश किया जहां तक का आवश्यक था तो हे सूरदास जी भले पूरी लीला का परिज्ञान तुमको हो गया स्वरहस्यम तदंगम च तुमको सब प्राप्त हो गया लेकिन यावत प्राप्य जो जो वस्तु है उतने का ही प्रकाश तुम अभी करो कि जहां तक अधिकारी मिलेंगे आगे भी वहीं तक का तुम प्रकाश करो इसलिए श्री महाप्रभु जी ने उनको चुप करी दिए उन्हें उनको चुप दिए अर्थात उनको बता दिया बस इसके आगे अभी अपने नहीं करनी है तो तब श्री आचार्य जी आप प्रसन्न हो कहे जो मानो सूर नंदालय के लीला में निकट ही ठाड़े और ऐसे प्रसन्न हुए श्री महाप्रभु जी के जान गए कि ये इनको लीला स्फुरी है ऐसा नहीं है केवल इन्होंने तो जैसे नंगालय के पास खड़े होके ही ये समग्र लीला का दर्शन किया है इनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है सो आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न हुए और आचार्य जी कहे मानो सूर नंदाले की लीला में निकट ही ठाड़े हैं ये सूरदास जी तो नंदाले की लीला में ही ठाड़े हैं सो ऐसो कीर्तन गायो ता पाछे आचार्य जी ने सूरदास को अब देखो महत्ता अब ताछे श्री आचार्य जी ने सूरदास को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनायो तब सगरे श्री भागवत की लीला सूरदास के हृदय में सूरी और सूरदास ने प्रथम स्कंद भागवत द्वादश स्कंद पर्यंत कीर्तन वर्णन किए तामे अनेक दान लीला मान लीला आदि वर्णन किए देखो यहाँ पे ये चीज जो गोकुलनाथ जी अपने को बता रहे हैं कि तामे दान लीला मान लीला इन सबन को वर्णन किए इससे तात्पर्य है कि भागवत जी से ज्यादा वैशिष्ट्य इनके गाय हुए पदों का मानना चाहिए क्योंकि वहां पे दान लीला मान लीला होली खेल की लीला ये सब भागवत जी में उपलब्ध नहीं है जो हैं वो बहुत संकेत मात्र में है और वो, वो संकेत भी केवल सुबोधनी जी अथवा टिप्पणी जी के दर्शन से जिनको स्फूर्ता है उनको स्फूर्ता है बाकी नहीं समझ में आता है लेकिन ये जो संपूर्ण श्रीमद भागवत जी की आ, कथा को आपने पद्यबद्ध करके गाया सूरदास जी ने इसी को हमारे यहाँ श्रीमद भागवत सारावली कहते हैं सूरदास जी क्रत, श्री भागवत ये पूरी भागवत सारावली जो है ये आज भी उपलब्ध होती है आज भी छप रही है प्राप्त होती है और इसमें वास्तव में, में प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय से लेकर और द्वादश स्कंद त्रयोदश अध्याय तक की समस्त लीला का वर्णन है उसमें विशेष करके दशम स्कंध है और दशम स्कंद की लीलाओं में पुष्टि की भी उन विशिष्ट लीलाओं का भी संकेत और वर्णन हमको श्री सूरदास जी ने कृपा करके किया है आपको प्राप्त हो तो जरूर कभी उसका अवगाहन करना श्रीमद् भागवत सारावली ये भागवत सारावली के रूप में प्राप्त होती है तापाचे गौ घाट ऊपर श्री आचार्य जी आप तीन दिन रहे सो तब सूरदास ने जितने सेवक किए हते सो सबको आचार्य जी आप सेवक कराए ताछे श्री आचार्य जी आप ब्रज में पधारे तब सूरदास हो श्री आचार्य जी के संग ब्रज में आए सो प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु आप गोकुल पधारे तब श्री आचार्य जी ने श्री मुख से जो सूर श्री गोकुल को दर्शन करो तब सूरदास जी ने श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत प्रणाम कियो सो दंडवत करत ही श्री गोकुल की लीला सूरदास के हृदय में फूरी तब सूरदास जी ने अपने मन में विचारे जो श्री गोकुल की लीला में वर्णन कैसे करो सो थे, जो आचार्य जी को मन श्री नवनीत प्रिया जी के स्वरूप के ऊपर आसक्त है सो श्री नवनीत प्रिया जी को कीर्तन श्री गोकुल की बाल लीला को वर्णन ऐसो पद सूरदास जी ने गायोभित कर नवनीत लिए गुटरुवन चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोल लोचन छबी गोरोचन लो को तिलक दिए लट लटगनी मानु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए कठुला कंठ ब्रज के नख राजत हैं केसरी नख राजत है सखी रुचि रहिए धन्य सूर एको पल यह सुख कहाँ भयो सत कल्प जिए शोभित कर नवनीत लिए ये नंदाले की लीला का बाल लीला का प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी की लीला का ये पद और श्री सूरदास जी ने इसकी संरचना की आज हम यहाँ पे इस वार्ता जी को विराम दे रहे हैं अल्प विराम दे रहे हैं और आगे हम सूरदास जी के और भी जो चरित्र हैं उनको कल एक दिन में और मैं प्रयास करूंगा कि मैं अन्यथा प्रलाप और कुछ ना करूं केवल वार्ता जी पे ही कल थोड़ा ज्यादा फोकस करूं और वार्ता जी को जितना हो सके आगे बढ़ाने का प्रयास करूं आओ आश्रय का पद करें दृढ़ न के केरो भरो वल्लभ छटा बिन सब युग मांझेरु भरोसु दृढ़ न चरण साधन और नहीं आ कली में जासो हो येरु सूर कहा कहे द्विविध या धरो बिना मोल को चेरो भरोसो चर नी गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर शिमने महाराणी की जय श्री वल्लभा की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय आज के आनंद की जे।